के कहा है किस किस लिहाज से वो जुड़ा हुआ है, मैं आपके पास आऊंगा अवधेश जी। अब बिल्कुल अगला सवाल है विधायकों के कामकाज से। सांसदों के बाद सवाल पूछा गया कि अपने विधायक के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है, विधानसभा क्षेत्रों में कितना बेहतर कामकाज हो पा रहा है। रोहित जी, तो बिल्कुल जल्दी से इस आंकड़े पर नजर डाल लें क्योंकि ये आंकड़ा भी बहुत रोचक है, ये दोनों आंकड़े, और इस पर हम अपने तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे और आंकड़ा आपके सामने है। देखिए विधायकों के कामकाज से बहुत संतुष्ट की अगर बात करें तो 29% लोग कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, 20% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं और संतुष्ट नहीं हैं, 43.8% लोग कह रहे हैं कि हम अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं और कह नहीं सकते, 6.3% लोग। तो अब एक बार फिर से रुक करेंगे प्राची का। प्राची, दो बड़े सवाल थे और इनकी जो बड़ी बातें, क्या बड़ी बातें प्राची? बिल्कुल, देखिए दो बड़े सवाल थे और ये सवाल अहम है क्योंकि यही जनप्रतिनिधि जनता का काम भी करते हैं। विधायकों से रिलेटेड सवाल पूछा गया हमारी तरफ से और सांसदों से रिलेटेड भी। तो सांसद को लेकर क्या मूड है यूपी का, ये बता दें, यूपी में अपने सांसद के काम से बहुत संतुष्ट लोग हैं 29%। अगर बात कर ले सिर्फ संतुष्ट लोगों की तो वो है 24.3%, यानी इतने लोग संतुष्ट हैं अपने सांसद के कामकाज से। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 53.3% आंकड़ा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए विधायक की अगर बात करें, सांसद के साथ साथ अपने विधायक को लेकर क्या मूड है यूपी का, ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये कि यूपी में विधायक के काम से बहुत संतुष्ट लोग हैं 29%। रोहित बिल्कुल, और जल्दी से प्राची तमाम मेहमानों का रुख करेंगे और हमारे साथ बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीर जी, आप इस चर्चा की शुरुआत, देखिए सांसदों की हमने बात की तो बहुत संतुष्ट 29% लोग, संतुष्ट नहीं 39% लोग, विधायकों की स्थिति अगर देखें तो 29% लोग संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं 43% लोग, क्या कहना है आपका ये जो सर्वे का आंकड़ा निकलकर सामने आया? जी धर्मवीर जी। रोहित जी, जब 14 का और 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी, तो जो सांसद वर्तमान में बीजेपी के हैं इन पर बलात्कार के, अपहरण के, फिरौती के, जमीन कब्जा करने के संगीन क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। 43% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो जब एक सांसद प्रतिनिधि जो चुना हुआ है उसको वो ऐसे कामों में लिप्त हो जाएगा तो जनता का भला रोहित जी वो कर नहीं पाएगा और जनता उससे संतुष्ट नहीं हो पाएगी, ये आपका चैनल भी बता रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, खासकर उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि कैसे जो है क्राइम का ग्राफ यहाँ पर ऊपर गया। आज NCRB के आंकड़ों को सरकार छुपा रही है और अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में, बहन बेटियों के ऊपर, चाहे वो बलात्कार हो, बलात्कार के केस हों, और चाहे वो गुंडागर्दी हो, लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जी पूरी तरह विफल है। कोई भी सरकारी कामकाज में, कोई विकास की योजना में सरकार कोई काम नहीं कर रही है और प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा करके जी धर्म और जाति में बांट जी धर्मवीर जी, RSS और बीजेपी के, धर्मवीर जी बीजेपी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब लेते हैं। अभिजीत सांगा, क्या कहना है? धर्मवीर चौधरी का कहना है कि स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए ये जो आंकड़े आप शो कर रहे हैं देखिए बिल्कुल सही है कि जनता ये जो ने बोल रहे हैं माननीय धर्मवीर जी, जी ये इनकी हताशा बोल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। पूर्व की सपा और बसपा की सरकार में इस प्रदेश को माफिया लोग चलाते थे, आज इस प्रदेश में कानून का राज है। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधी आज जेलों में बंद हैं। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि बाहर के लोग भी उत्तर प्रदेश में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उद्यमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में कहीं ना कहीं सब ने मिल करके, कोरोना वॉरियर्स ने आज इस जंग को जीतने का काम किया है। अनेकों का विकास कार्य जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी हताशा बोल रही है। और पूर्व में अभी विगत दिनों बुआ भतीजों ने एक होकर के चुनाव लड़ने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। ठीक है, ठीक है, अभिजीत सांगा सूरत है, ये आईना दिखाया गया है, ये प्रदेश की जनता ने इनको दिखाने का। जूही जी, आप जवाब देना चाहेंगी अभिजीत सांगा की बात पे?
श्री सांगा शायद एक्चुअली फैक्ट से भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। इनकी पार्टी के आधे लोग तो समाजवादी पार्टी और बसपा से ही इन्होंने लिए हैं और शामिल करते जा रहे हैं। तो जो आपराधिक मुकदमे हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री का आपराधिक मुकदमे, कोई कमल छाप साबुन है जो आपके पास जाते ही वो साफ हो जाता है, ये इनका फैक्चुअल चेक। दूसरी बात ये कि आपने एमपी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया, बड़ा शोचनीय है। प्रधानमंत्री है उत्तर प्रदेश के, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री भी बनाए गए हैं, वित्त मंत्री भी हैं, तो केवल 54% लोग संतुष्ट और बहुत संतुष्ट, बड़ा शोचनीय एक प्रश्न चिन्ह है केंद्र सरकार पे। अब आपकी 5 साल से ज्यादा की सरकार केंद्र में हो गई है, तो ये रवैया आपको समझना चाहिए और विधायकों के बारे में भी समझना चाहिए और कोरोना काल की दुर्व्यवस्था के बारे में तो बात ना ही करें क्योंकि आप तो चुनाव लड़ रहे थे, तो थोड़ा सा उसको भी संवेदनशीलता दिखाएं। गंगा में बहती हुई लाशें हम सबने देखी जी। मैं बिल्कुल प्रदीप जी, मैं एक छोटा सी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, विधायकों और सांसदों की बात है तो विधायकों के कामकाज से जो असंतुष्ट है वो एक बड़ी तादाद है, वो भी और सांसदों की, इसको किस तरह से देखा जाए? प्रदीप जी संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, विधायकों से जो असंतुष्टि होती है, जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो सत्तारूढ़ दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए बीजेपी को इसके बारे में निश्चित रूप से गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि उसके विधायकों के कामकाज से अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तो क्यों हो रहा है और उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल जूही जी, आप हमारे साथ बनी रहे और धर्मवीर जी आप भी हमारे साथ बने रहे, इसके अलावा अभिजीत सांगा भी हमारे साथ बने हुए और प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सबसे पसंदीदा पीएम उम्मीदवार कौन होगा। इस ब्रेक के बाद जल्द